बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। मैं ना घर में बैठा था, फरागत थी, तो मुझे इस खेल का नाम नहीं याद कि बच्चे क्या खेल रहे थे। वो को पर्चियां डाली थी, एक पर्ची पे लिखा था बादशाह, एक पे लिखा था वजीर, एक पे लिखा था काजी और एक पे लिखा था चोर। उन चार पर्चियों को बंद करके ना फेंक देते, फिर सारे एक एक उठाते थे। अब जिसके हिस्से में बादशाह की पर्ची आई वो बादशाह बन गया, जिसके हिस्से में काजी की आई वो काजी बन गया, जिसके हिस्से में वजीर की आई वो वजीर, और एक हिस्से में आनी है चोर की। तो फिर जिसके हिस्से में चोर की पर्ची आनी है उसके लिए फिर बड़े सख्त मामला आते हैं, बादशाह सलामत उसको जो चाहे हुक्म दे। अब जो मेरा बड़ा बेटा है उसने क्या किया हुआ है, उसने पर्ची को ना थोड़ा सा फाड़ दिया है बादशाह वाली को, तो बेटियों को नहीं पता चल रहा कि बड़ा भाई हमारे साथ क्या कर रहा है, तो वो बार बार बादशाह बन रहा है। वो बेचारी कभी कोई चोर बन रही है, कभी वो किसी को कह रहा है मेरी जूती पॉलिश करो, किसी को कह रहा है। मैं बैठा देख रहा हूं सारा। मैंने कहा यार एक ही करण है, मैंने कहा जी मुझे भी खिलाओ। एक को ड्रॉप कर दिया, तो फिर वो ही वाला काम मैंने किया। मैंने पर्ची तो नहीं फाड़ी, लेकिन मैंने बादशाह वाली पर्ची पे ना पेन से निशान लगा दिया। अब दो चार बार बादशाह बन के मैंने उसे खूब काम करवाया, तो मैंने कहा चल यार उन बच्चियां भी बादशाह बनाइए। तो मैंने अपनी बड़ी बेटी को कहा कि ये जिस पे निशान लगा ना तूने ये पर्ची उठानी है। अब बादशाह वाली उसने उठा ली, तो मेरे हिस्से में आ गई चोर वाली पर्ची। अब सबने बताना था कि क्या पर्ची आई है, तो सबने बताया। तो एंड पे ना मुझे सारे कहते हैं जी बाबा आप क्या बने हैं, तो मैंने कहा जी मैं चोर बना, मैं हुजूर के मिंबर पे बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी छोटी बेटी रो पड़ी और मेरे गले लग के कहती मेरे बाबा चोर नहीं है। मेरे गले लग के रो पड़ी, खुदा मिंबर पे बैठा हूं हुजूर के, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हालांकि मैं ऐसी बातें नहीं सुनाता, ये आपकी दिलजोई के लिए सुना रहा हूं कि बेटियों के लिए कभी ऐसा फिक्र नहीं बोलना, ये रहमत होती है। मैं मिंबर पे बैठा कह रहा हूं, मेरा अल्लाह गवाह इस बात का। हाँ मैं ऐसी बातें नहीं सुनाता। वो मेरे साथ लग के ना रो पड़ी, हकीकतन रो पड़ी और कहती मेरे बाबा चोर नहीं। ये जहमत है, बेटियों से मोहब्बत करो।